गाइस, प्लीज हाय बोल दो एक बार तेज की। हेलो, गुड, ग्रेट, हैप्पी टू बी हियर, हैप्पी टू बी, जो भी मैं बोलने वाली हूँ उसको शेयर करने में बहुत मजा आएगा आप लोगों के साथ। अभी बहुत साइंस की बातें हो गई है तो मैं एकदम ही आपको परे ले जाने वाली हूँ साइंस से। आई होप आप जैसे साइंस को इन्जॉय कर रहे थे इसको भी इन्जॉय कर पाएं। तो जैसे कि हमारे होस्ट ने बताया कि आई एम अ पोएट एंड स्टोरी टेलर, सो आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद अ स्मॉल पोएट्री। तुम कितनी ही शिद्दत से गढ़ लो मेरा अंत, तुम कितनी ही शिद्दत से गढ़ लो मेरा अंत, मैं हर सुबह अपना आगाज लिखूंगी। हार के दरवाजे बैठकर जीत की शुरुआत लिखूंगी, मोहब्बत के साथ तुम्हारा रूठा हुआ अंदाज लिखूंगी। इश्क की मासूमियत खुदा का करम, इश्क की मासूमियत खुदा का करम, भगवान की आराधना और अपनी कविता में गुरु की अरदास लिखूंगी। तुम सोचोगे कि तुम मिटा दोगे मुझे, तुम सोचोगे कि तुम मिटा दोगे मुझे, मगर मैं हर नए मुकाम पे कांपते हाथों से ही सही एक रोज तुम्हारे सामने अपना नाम लिखूंगी। तो दोस्त, तुम कितनी ही शिद्दत से गढ़ लो मेरा अंत, मैं हर सुबह अपना आगाज लिखूंगी, मैं हर सुबह अपना आगाज लिखूंगी। सो दिस इज यूजुअली द फर्स्ट पोएट्री जो मैं परफॉर्म करती हूँ अपने किसी भी शो में या इवेंट में, बिकॉज आई थिंक दिस शोज माय रियलिटी। बिकॉज व्हेन आई वाज स्टार्टिंग आउट nobody was ready to accept the fact that a nurse can be an artist. Yes, so I am a registered nurse. I did my graduation from BSc Honors Nursing. I hope meri ye speech sunne ke baad aap mein se bahut log decide na kar le apna course change karne ka. I hope. So yeah, so I did my BSc Honors Nursing from AIIMS Bhopal, completed the degree and then didn't take up the job jo hamare batch ko di ja rahi thi and I went to Bombay to try out my luck. सुनने में बहुत या ओके कूल फाइन गुड फॉर यू लगता है, बट एक्चुअली ऐसा था नहीं। बिकॉज हमारे यहाँ ना सोसाइटी में एक प्रॉब्लम है कि खुद को तो मनाना ही पड़ता है, एक बड़ा स्टेप लेने से पहले घर वालों को भी मनाना पड़ता है। और चलो घर वाले तुम्हारे प्यार में मान भी जाएं तो आसपास की सोसाइटी उन्हें मानने नहीं देती कि ऐसे कैसे नर्सिंग इतना अच्छा कोर्स है, इतनी अच्छी सैलरी है, वगैरह वगैरह सब हुआ। सो आई वॉज इन सेकेंड ईयर व्हेन आई फेस्ड अ मेंटल हेल्थ इशू एंड the core reason which we realized, like I and the professionals I was working with, we realized was that I was not happy in what I was doing. And मतलब मुझे खुशी हमेशा आर्ट में ही मिलती थी and I was feeling stuck there. तो वो सब हुआ, लेकिन ये पता नहीं चल रहा था कि इसके अलावा अब क्या करना है एग्जैक्टली, आर्ट में भी कौन सी फील्ड में जाना है। तो मैंने कॉलेज में थिएटर करना शुरू किया एंड मुझे लगने लगा कि हाँ मुझे एक्टर बनना है। दोस्तों ने भी पूरा कॉन्फिडेंस भर दिया कि या यू एक्ट सो वेल, यू आर सच अ गुड एक्टर, यू शुड डू इट डू इट डू इट। दोस्त ये काम करते थे तो इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि मैंने घर वालों को जाके बता दिया कि मुझे फील्ड चेंज करनी है और मुझे बॉम्बे जाना है टू बी एन एक्टर। उनके सर पे पहाड़ टूट पड़ा क्योंकि उनकी इकलौती बच्ची एक प्रॉमिसिंग करियर छोड़कर एक्टर बनना चाहती है अचानक से बॉम्बे जाकर, तो उन्होंने मना कर दिया। ऑफकोर्स उनको लगा कि मेरा बचपना है, बट एक्चुअली मुझे पता था कि बचपना छोड़ने की तरफ ये मेरा पहला कदम था। तो कोई नहीं, उनकी बात मानकर मैंने थोड़ा प्लान में चेंज किया। आई टोल्ड देम कि मुझे पढ़ने जाना है बॉम्बे, मुझे मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में मास्टर्स करनी है। पहले बहुत हाना हुआ, फिर इवेंचुअली वो मान गए लेकिन पुणे के लिए। उन्होंने कहा अप एंड डाउन कर लेना, बॉम्बे तो नहीं जाना, बॉम्बे से पता नहीं क्या उसकी इमेज खराब है, बॉम्बे इज वेरी नाइस गाइस, बट खैर। तो उनकी बात मानकर मैंने कहा ओके फाइन। मैंने पुणे के कॉलेजेस देखना शुरू किया लेकिन सब जगह एक ही नोटिस था, एडमिशंस क्लोज्ड। लेकिन सिर्फ एक शहर में एडमिशंस अभी भी हो रहे थे, बॉम्बे। और ऐसे मैं बॉम्बे तो चली गई लेकिन वहां जाकर ना सब फेरी टेल जैसा था नहीं। आई डिडंट नो एनीवन देयर, एंड बाय एनीवन आई एक्चुअली मीन एनीवन। एक दिन मुझे ये भी लगा था कि अगर यहाँ मुझे कुछ हुआ तो मैं कॉल किसे करूंगी, एंड नो बडी आई गेस। सो आई कॉल्ड नो बडी जब लोकल्स की भीड़ ने मुझे एकदम नीचे उतार दिया और रुला दिया। आई कॉल्ड नो बडी व्हेन आई फेल्ट लोनली, एंड आई कॉल्ड नो बडी जब भी मुझे किसी की जरूरत पड़ी या मैं खो गई रस्ते में, एंड गूगल मैप्स ने मेरा साथ छोड़ दिया। तो उस वक्त मेरी दोस्त बनी फिल्में, हिंदी फिल्में। आई रिमेंबर खाना खाते वक्त मैं रैंडमली कोई भी मूवी चला देती थी सो दैट आई डोंट फील अलोन। तो एक दिन मैंने वेकअप सिट चला दी, उसमें वो सीन चल रहा था जिसमें सिड और आयशा मरीन ड्राइव पे बैठे होते हैं, अगर आपने देखी होगी। तो सिर्फ आयशा से पूछता है कि आयशा तुम बॉम्बे में अकेली हो, तुम्हें डर नहीं लगता? और आयशा बोलती है आर यू किडिंग सिद्धार्थ, इतना डर लगता है कि बता भी नहीं सकती, लेकिन बॉम्बे आना मेरा सपना था और अब यहाँ हूँ तो डर नहीं सकती, इतना कुछ करना है यहाँ कि डर के लिए वक्त ही नहीं होगा। और उस दिन 20 साल की गुंजन को यह समझ में आ गया था कि आज तो डर लग रहा है
लेकिन इतना काम करना है, इतनी मेहनत करनी है कि एक दिन डर के लिए ना वक्त हो और ना जगह। तो आई स्टार्टेड ऑडिशनिंग, मेरा कॉलेज चल रहा था उसके साथ साथ मैंने ऑडिशन देना शुरू किया, कॉन्टेंट क्रिएट करना शुरू किया इंस्टाग्राम पे जस्ट टू पास माई टाइम, ओपन माइक्स में जाना शुरू किया। पोइट्री एंड स्टोरी टेलिंग वॉज नेवर द प्लान, क्योंकि उस वक्त पोइट्री एंड स्टोरी टेलिंग में कोई पैसा नहीं कमा रहा था, तो कभी भी वो प्लान ही नहीं था। उसको हॉबी रखना था और एक्टिंग करनी थी कि मुझे फेमस होना है, मुझे पैसे कमाने हैं, तो आई वॉन्ट टू बी एन एक्टर। बट यूनिवर्स का प्लान अक्सर आपके प्लान से थोड़ा अलग होता है, एंड आई फील बेटर भी होता है। तो कंटेंट क्रिएट करना शुरू किया। मेरे इंट्रोवर्ट नेचर की वजह से मुझे इंटर्नशिप्स तो नहीं मिल रही थी, क्योंकि ऑफकोर्स मुझे लगता है आई वॉज टू शाई, आई डोंट ब्लेम देम, आई वॉज टू शाई। तो कई जगह तो पहले ही रिजेक्ट कर दिया, कई जगह दो तीन दिन काम करवाया एंड देन रिजेक्टेड एनीवेज। तो मेरे पास बहुत फ्री टाइम होता था कॉलेज के बाद, तो आई यूज टू ऑडिशन, आई यूज टू क्रिएट कॉन्टेंट, ये सब मैं करती थी, ये सब किया। उसमें भी कुछ हो नहीं रहा था, कुछ ऐसा बड़ा नहीं हो रहा था जो मैं करने आई थी बॉम्बे की, यार कुछ तो ऐसा हो जाए कि सब बदल जाए, वो कुछ नहीं हो रहा था। और उस टाइम बहुत डाउट भी आ रहा था, क्योंकि मेरे अकाउंट में पड़े 250-500 रुपए, वो भी जो घर से आए हैं, और मेरे दोस्तों की सैलरी 3-4 लाख पर महीने हो चुकी है। तो दे आर अर्निंग सो वेल, दे आर रोमिंग अराउंड हैविंग फन, कॉलिंग मी कि अरे ब्रो आज तो मैं यहाँ गई वहाँ गई, एंड आई एम लाइक कि मैं तो घर से बाहर निकल ही नहीं सकती, बस पैसे नहीं है भाई। सो या तो ये सब चीज़ें हो रही थी, बहुत बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है। आई कम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, मुझे एक पर्टिकुलर बजट दिया जाता था जिसमें से बॉम्बे के रेंट इतना महंगा है, सब चला जाता था। तो इट वॉज नॉट अ वेरी हैप्पी सिचुएशन। मेरे पेरेंट्स इस टाइम तक बेखबर थे कि मैं इंस्टाग्राम पे क्या करती हूँ। सो टू कोप अप आई टुक अ जॉब इन 2020 विथ फिल्टर कॉपी, आई वॉज कास्टिंग एसोसिएट देयर। तो अब मैं ऑडिशन दे नहीं रही थी, ले रही थी, क्योंकि देने से पैसे नहीं आ रहे थे, कोई मुझे सिलेक्ट नहीं करता था। So I started taking auditions of people, and with that I was creating content on movies and web shows. Parents ko bhi kuch nahi pata hai, until one day, 16th May 2020, I got a text on my Instagram. It was from Maddie, R. Madhavan. I created a poem on his movie Rehna Hai Tere Dil Mein. He saw it, he texted me, "Hi Gunjan, rula diya yaar, so beautiful." And I was like on cloud 9 that day. Later on, he posted that video on his Instagram. And later, one day later, Diya Mirza too texted me that you are gifted. It's a beautiful video and all of that. So, ये सब हो रहा था, and मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि जो चीज़ मैं time pass करने के लिए कर रही थी, उससे पहली बार लोग मुझे पहचान रहे थे, compliments दे रहे थे, तो ये सब हो रहा था। Parents को बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो उन्होंने कुछ कहा नहीं। बस अगले 4-5 दिन तक वो रहना है तेरे दिल में वाली पोएट्री सुनते रहे। व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट लगा दिया गया कि आर माधवन एंड दिया मिर्जा टेक्स्टेड गुंजन। तो उनका उनकी लव लैंग्वेज आई थिंक यही है, व्हाट्सएप पे दिखा देना। तो मैं समझ गई थी चलो ठीक है। तो उस वक्त ना मुझे पहली बार उनकी तरफ से एक एक्सेप्टेंस फील हुआ, मुझे ऐसा लगना शुरू हुआ कि या, और उनको उनके अंदर भी कुछ चेंज मुझे दिखा, लाइक दे फाइनली रियलाइज कि हाँ कुछ तो कर रही है ये, और कुछ गलत नहीं कर रही, इट्स शी इज डूइंग गुड एंड शी विल गेट बेटर विद टाइम। सो उनकी तरफ से वो भरोसा मुझे उस पॉइंट पे शो हुआ था, दैट्स वाई वो डेट मुझे एग्जैक्टली याद है। तो धीरे धीरे मैंने और फिर मेरा ध्यान पूरा पूरा पोएट्री स्टोरी टेलिंग पे आने लगा, उस पर कॉन्टेंट क्रिएट करना शुरू किया और जगह परफॉर्म करना शुरू किया। धीरे धीरे लगभग 1 साल लगा उसमें, बट अलग अलग प्लेटफॉर्म से कॉल आने लगे, लोग मुझे बुलाने लगे, अलग अलग ब्रांड से कॉल आने लगे विच दे वॉन्टेड मी टू राइट फॉर देयर ब्रांड्स। तो ये सब होने लगा, एंड इन 1 ईयर ऑफ दैट आई लेफ्ट माई जॉब, लाइक कास्टिंग एसोसिएट की जॉब जो थी वो मैंने 1 साल बाद छोड़ दी। एंड इन 2021 आई स्टार्टेड माई जर्नी एज फुल टाइम पोएट एंड स्टोरी टेलर एंड राइटर। अब इस जर्नी में ना बहुत कुछ ऊपर नीचे हुआ, बट 3 चीज़ें हैं जिनके लिए मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। नंबर 1, कि मैंने 0 से शुरू करने का हौसला दिखाया और मैं डरी नहीं। अब बी इट एक्टिंग, बी इट स्टोरी टेलिंग एंड पोएट्री, बी इट बॉम्बे, वैन जब मैं बॉम्बे गई थी आई हैड नो फ्रेंड्स, नो जॉब, नो बडी एंड नो नॉलेज अबाउट द सिटी। आज बॉम्बे में काम भी है, दोस्त भी हैं, और एक चीज़ नहीं है, डर के लिए वक्त। सेकेंड, आई एम ग्रेटफुल दैट मैं इस जर्नी में ना अपने पेरेंट्स को साथ लेके चली। मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि अरे ये समझ नहीं रहे मुझे क्या है ये वो ये, मतलब मुझे हमेशा से पता था जब मैं उनसे मांग भी रही थी कि उनका डरना जायज़ है। हमारी फैमिली में कोई आर्टिस्ट नहीं है, कोई आर्टिस्ट नहीं है जो कमा रहा है अपनी आर्ट से, आई एम द फर्स्ट वन, एंड उनका डरना बहुत जायज़ है। मैं भी उनकी जगह होती तो डरती, तो मुझे कभी भी उनकी तरफ वो हेटरेड डेवलप नहीं हुई कि ये मुझे समझ नहीं रहे। मैं हमेशा उनकी टीम में थी और वो हमेशा मेरी टीम में थे, एंड साथ मिलकर वी फाउंड अ वे। थर्ड, आई एम ग्रेटफुल कि
कुछ चीजें होती हैं जिनको जिन चीजों को हम भूल जाते हैं, जैसे मुझे लगता है बड़े शहर जब आप जाते हो ना, तो आप वो चमक में इतना खो जाते हो कि यू फॉरगॉट कि आप आए किस लिए थे, आपका पैशन क्या था, आपका आपका गोल क्या था. तो आई एम वेरी हैप्पी वो मेरे साथ कभी हुआ नहीं. मैं कभी बाहर भी होती थी या कहीं भी होती थी, तो मुझे पता होता था कि दिस इज जस्ट फॉर फन अभी, बट आई नो वॉट आई एम गोइंग टू डू, आई नो वॉट्स माई गोल. तो वो चीज़ हमेशा चलती रहती है, आई एम रियली ग्रेटफुल. एक और चीज़ है दैट आई टुक 9 to 5 जॉब एट अ वेरी करेक्ट टाइम, बिकॉज दैट जॉब गेव मी कॉन्फिडेंस टू सर्वाइव इन बॉम्बे. आई थिंक सर्वाइवल सबसे पहले है. बहुत सारे सपने इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि सर्वाइवल ही नहीं है, दे हैव टू डू जॉब. तो आई थिंक जॉब लेने में कोई शर्म नहीं है. और मेरे साइड हसल ने ना एक वक्त बाद मुझे खुद बता दिया था कि सुनो यू कैन लीव योर जॉब नाउ, यू कैन बी अ फुल टाइम आर्टिस्ट. तो आपकी साइड हसल आपको खुद बता देगी, लेकिन तब तक उसे साइड हसल रखने में कोई शर्म नहीं है, कोई बुराई नहीं है. मैं तो बहुत अच्छे से बताती थी कि हाँ 9 to 5 आई एम हियर, 6 to 10 आई एम वर्किंग ऑन माई कॉन्टेंट एंड माई ऑडिशंस. सो दैट्स अ ग्रेट थिंग. सो आई थिंक दैट रियली हेल्प मी. तो आज मैं फुल टाइम पोएट और स्टोरी टेलर हूँ. और बहुत लोग मुझसे आके पूछते हैं कि आपने शिफ्ट किया, जर्नी चेंज की, कैसा लगा, क्या बोलना चाहोगे. तो मैं सबको सिर्फ एक चीज़ बोलती हूँ कि खुद को ना मौका देना. मौका देना बहुत ज़रूरी है, मौका जीरो से स्टार्ट करने का, मौका गिर के फिर से उठने का, मौका अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीने का. क्योंकि ये बहुत बड़ा सच है कि ज़िंदगी उसी को मौका देती है जो खुद को देता है. तो खुद को मौका ज़रूर देना. और आज इस टॉक के बाद सोचना ज़रा कि क्या करें आगे. सो विद दैट लास्ट कुछ लाइनें बोल के आई वुड लाइक टू टेक योर लीव. एक दिन तुम रियलाइज करोगे कि तुमने पूरी दुनिया को चौंका दिया. एक दिन तुम रियलाइज करोगे कि तुमने पूरी दुनिया को चौंका दिया. और ये हुआ क्यों? क्योंकि तुमने खुद को शुरू से शुरू करने का मौका दिया. मौका दिया गिरने का, उठने का, संभलने का, निखरने का, बिखरने का. माँ बाप से जितना लिया उतना उनका नाम करके गर्व से लौटा दिया. और ये हुआ क्यों? क्योंकि तुमने खुद को शुरू से शुरू करने का मौका दिया. थैंक यू सो मच.